कोहे चौधरी की कढ़ाई कितनी सुंदर है ना, थोड़ा अरब से थोड़ी भारी लग रही। अरे हाँ, इतनी सारी कारीगरी है शायद इसलिए। और ये डोरी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर गलती से अनिरुद्ध ने लटकन खींच लिया तो कहीं धमाका ना हो जाए। क्या हुआ मनोरमा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ छिपा रही हो मुझसे? नहीं। क्या इस क्या तुम भी कुछ ऐसा करने वाली हो जो मुझे हैरान कर दे? मुझसे क्या छिपा रही हो? इस बार कुछ ऐसा करने वाली हूँ आपके लिए जिसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप। मनोरमा, कुछ समय पहले मुझे बोंदिता के पास धागे की रील मिली और तुम्हारे पास ये सुई धागा। क्या मुझे कोई बताएगा कि तुम दोनों क्या करने वाले हो? उपाय? कैसा उपाय? वो आपको बाद में बताती हूँ कोयली दीदी, अभी आपको मेरा एक काम करना होगा। जी सही। कुछ भी तो नहीं। वो इसकी सुई धागा, हाँ इसमें जो वो लटकन लगा है ना, वो थोड़ा ढीला हो गया था तो बस उसे ही ठीक कर रही थी मैं। क्या हैरान करूंगी मैं तुम्हें अनिरुद्ध, तुम जानते तो हो मुझे और मेरी मुहिम को। तुम हाँ, तुम्हारी मुहिम को जानता हूँ। तुम्हारे मन में जो देश प्रेम की भावना है, तुम्हारी निडरता, तुम्हारे जज्बे का सम्मान भी करता हूँ। तुम्हारी जो जिद है बोंदिता के सपने को उड़ान देने की, उस बात का मैं बहुत सम्मान करती हूँ अनिरुद्ध। सपने तो हर कोई देखता है, पर सिर्फ अपने लिए। तुम ऐसे पति हो अनिरुद्ध जो इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी पत्नी के लिए इतने बड़े सपने देख रहे हो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हो। अरे हाँ मनोरमा, मैं तुम्हें यही बताने आया था। मैंने डलहौजी वाले स्कूल में फोन किया था और जानती हो क्या, इंटरव्यू लेने वाले महोदय फिर एक बार आएंगे। वो बोंदिता को एक और मौका देने के लिए मान गए हैं। और देखना, इस बार बोंदिता पास होगी। पास होगी और कल ही डलहौजी चली जाएगी। क्या चली चली जाएगी? अनिरुद्ध, बोंदिता कुछ और दिन नहीं रुक सकती? नहीं नहीं मनोरमा, बोंदिता को तुम्हारी जाने से पहले जाना होगा, वरना उसे पता चल जाएगा कि हमारी शादी नकली थी। करार था, समझौता था बस कुछ दिनों का, और अगर ऐसा हुआ ना तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो ना चाहते हुए भी बोंदिता को गुस्सा करना, कड़वी कड़वी बातें कहना, नहीं, बोंदिता को पढ़ने ही जाना चाहिए बोंदिता को डलहौज। पर अनिरुद्ध, बोंदिता के बिना रह पाओगे? पता नहीं क्या करूंगा, जब से बोंदिता मेरे जीवन में आई है ना, मेरे जीवन का लक्ष्य बन गई है, मेरा सब कुछ बन गई है। अपनी सारी खुशियां, सारे गम, सारे सुख दुख दर्द सब बांटा है मैंने बोंदिता के साथ। उसके जाने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा, क्या महसूस करूंगा। शायद सूरज दिखेगा,
पर सूरज की रोशनी नहीं, रास्ता तो है पर मंजिल नहीं। पर मुझे स्वार्थी भी तो नहीं होना चाहिए ना। आंसुओं के साथ नहीं, मुस्कुराकर अलविदा कहूंगा बोंदता को। अलविदा बोंदता, अलविदा। बैरिस्टर बाबू बोंदता बनने की उड़ान लेने के लिए। माफ करना, वो बोंदता के स्कूल जाने की खबर में भूल ही गया कि कल तुम्हारी मुहिम का आखिरी दिन है, कल तुम भी चली जाओगे। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आज हम दोनों अपने जीवन की सबसे जरूरी मुहिम पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन देता? कहाँ गई? नहीं, वो आपके लिए रानी वैभवी देवी जी का फोन आया है, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। रानी वैभवी जी का फोन? पर क्यों? वो क्यों, मैं क्या जानू क्यों आया है, लेकिन हाँ जल्दी बुलाया है आपको, जल्दी चलिए ना। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ चलते हैं, चलिए ना। हेलो, हाँ रानी साहिबा के। ओ मनोरमा जी, मनोरमा जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। रानी साहिब आपका इंतजार करते करते चली गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उन्हें बुला करके लाता हूँ, आप थोड़े उनके इंतजार कीजिए। ठीक है ठीक है। कहाँ है वो खास कोटी? इसमें जो लटकन की डोरी लटक रही है, इसे खींच दे। उससे ये गोटी नीचे आ जाएगी। हेलो, हाँ रानी साहिबा कब तक आएंगी? जरा मुझे यहाँ काम था बहुत। रानी साहिब आ रही है, थोड़ा सा और आप इंतजार कीजिए। बिहारी आया माऊ। हेलो हेलो, बिहारी की आवाज फोन में से। लगता है घर से ही किसी ने शरारत की है।
ऐसा मजाक बिहारी जी क्यों करेंगे? बोंदिता, जरूर उसी ने कहा होगा बिहारी जी से ऐसा मुझे कहने के लिए। अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा। जाने बोंदिता आगे और क्या करे? कोई और तरकीब निकालनी होगी छोटी पत्नी से कोठी लेने की। अरे बिहारी बहू, अरे वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है। आज तो लगता है कुछ स्वादिष्ट खाना बन रहा है। हाँ काका ससुर जी। मैं गई तरकीब छोटी पत्नी को उलझाने की और कोटी बदलने की। काका ससुर जी, आज आपकी बहू बोंदिता खाना बना सकती है, कपड़े सिल सकती है और वो सब कर सकती है जो एक आदर्श बहू को करना आना चाहिए। सही बात है, सही बात है। और ये सब करना कैसे मुमकिन हुआ? आपके प्रशिक्षण के कारण ही ना। अरे हमें तो सब याद ही है। और तुम क्यों याद कर रही हो आज बहू? तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है क्या? मैं तो बस धन्यवाद कह रही थी। वैसे आपने सब सिखा दिया मुझे। मैं तो कहती हूँ आप मेरे काका ससुर जी नहीं है। काका ससुर जी नहीं है तो? अरे पारस है आप, पारस। जो जिसे छुए वो सोना बन जाए। अरे ऐसे ही थोड़ी ना जमींदार बन गए। ये तो सोला ने सही बात है। ऐसे काका ससुर जी हर जगह आपका दमका बचता है। पर क्या बहू? छोटी पत्नी नहीं, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे? क्या किया छोटी पत्नी ने बताओ मैं? वही तो, कुछ करती कहाँ है? बहू! इसे काका ससुर जी, आपने मुझे तो सब सिखा दिया, फिर छोटी पत्नी को क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं आप? आपका काका ससुर बन कम हो गया है क्या? अब बाहर तो छोटी पत्नी की भी काका ससुर जी है ना, उन्हें देखकर तो लोग यही कहेंगे ना कि बड़ी बहू खुद ही सीखी होगी सब। वरना अगर आप में सिखाने की प्रतिभा होती तो क्या छोटी बहू भी सुलक्षणी नहीं होती? कौन कहेगा, किसी के कहने की हिम्मत है? मुंह नहीं तोड़ देंगे उसका। अरे सिखाने में तो हम गुरुओं के गुरु हैं बहू। तो हो जाइए ना गुरु। शुरू। वैसे घर में बहुत सारे चावल आए हैं। चावल? चलाइए अपनी जादुई छड़ी और अपनी दांत से, मेरा मतलब है प्यारी दांत से, छोटी पत्नी को भी आदर्श गृहिणी बना दीजिए आप। मनोरमा बहू, मनोरमा बहू, जहां पर भी हो अभी इसी वक्त यहां आ जाओ। आई काका ससुर जी।
मनोरमा बहू। हाँ जी, इसे देखो। देख लिया, अब मैं जाऊं? अरे खाना खाती हो ना, या सिर्फ देख के ही पेट भर जाता है? नहीं ना, पहले सुनो, समझो पूरी बात। हमने क्यों बुलाया है तुम्हें यहाँ पे? ये बहुत अच्छे चावल है। हाँ मालूम पड़ रहा है। पड़ गया, मालूम पड़ गया तुम्हें? अरे जब ये मालूम पड़ गया, ये भी मालूम कर लो कि हम क्यों दिखा रहे हैं तुम्हें ये चावल की बोरी। वंदिता बहू, अनोरमा बहू के अस्त्र शस्त्र ले आओ। शस्त्र? कहीं इन्हें मेरी मुहिम के बारे में तो पता नहीं चल गया? चलो उठाओ अपने अस्त्र और शुरू हो जाओ ये चावल साफ करने में। एक एक दाना एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है, कितने दाने साफ करने हैं? अरे ये किस तरह का प्रश्न हुआ, कितने दाने साफ करने हैं? पूरी चावल की बोरी साफ करनी है। पूरी बोरी? पर मुझे तो नहीं आता। चावल नहीं साफ करना आता तुम्हें? मतलब बातें बनाने के अलावा और कुछ आता भी है कि नहीं? दा, क्या हो रहा है? चावल साफ करने के लिए घर में और भी लोग हैं ना, किसी और को कह दीजिए। दा आप जानते हैं ना कि वॉइसरॉय जर्नल के स्वागत समारोह में जाने का गौरव हमें मनोरमा की वजह से ही मिला है। ससुर जी क्यों तरफदारी कर रहे हैं छोटी पत्नी की? अब छोटी पत्नी चावल बुनने में व्यस्त होगी, तभी ना मैं कोटी बदल पाऊंगी। जी वो ससुर जी की बात से याद आया, कल के समारोह के लिए मुझे बहुत काम करना है, तो मैं जाऊं? काका ससुर जी, आपकी प्रतिभा नहीं दिखी, वो जा रही है, देख लीजिए। बहू, अनोरमा बहू। जब तक तुम ये चावल के सारे दाने साफ नहीं कर देती, तब तक तुम किसी समारोह में शामिल होने की तैयारी करने नहीं जा सकती। ये मनोरमा बहू की वजह से हमें वाइसराय से मिलने का सौभाग्य जरूर प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई हमें ईश्वर के दर्शन नहीं करा रही है कि हम इसे अपने सिर पे बैठ के ताथा थैया करने देंगे। चलो चावल चुनो। आपको जो करना है ना वो कीजिए। मेरा शक सही निकला, बोंदिता पक्का कुछ करने का सोच रही है। अब हर पल बोंदिता पर नजर रखनी होगी मुझे। अरे क्या मन ही मन सोचती जा रही हो? सुना नहीं हमने क्या कहा? चलो चावल साफ करो। जी कीजिए। अरे करो, चावलों से बातें क्या कर रही हो? जल्दी हाथ चलाओ जरा।
क्या है बहू? कंकड़। मनोरमा बहू, ये क्या है? अगर यही कंकड़ खाते वक्त तुम्हारी पति की थाली में आ गए तो? चलो फिर से करो सब। पच्चीस किलो चावल चुने और काका ससुर जी खुद बैठे हैं छोटी पत्नी के सर पे, तो काफी समय लगेगा ये काम पूरा करने में छोटी पत्नी को। यही सही अवसर है, मैं जाती हूँ और बदल देती हूँ मेरी बनवाई कोटी को पति बाबू वाली कोटी से। करो करो, हम देख रहे हैं। पहले भी मेरे कमरे के आसपास ही घूम रही थी बोंदिता, कहीं वो मेरी कोटी को फिर से पहनने की कोशिश तो नहीं करने वाली। लेकिन अगर वो ऐसा करने भी वाली है तो कैसे रोकूं उसे ऐसा करने से? हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। अब पति बाबू ने ये कोटी अपनी पत्नी के लिए बनवाई है, अब बड़ी पत्नी मैं हूँ तो पति बाबू की बनवाई हुई कोटी पे तो मेरा ही अधिकार हुआ ना। अब छोटी पत्नी नहीं, मैं पहन कर जाऊंगी असली कोटी वायसराय जंगल बाबू के स्वागत समारोह में। और मजे की बात तो ये है कि इसका पता भी नहीं चलेगा छोटी पत्नी को। कैसे भी जाकर मुझे देखना होगा कि बोंदिता कहीं मेरे कमरे में तो नहीं गई ना। ए! ये क्या किया? सारा चावल गिरा दिया। तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है बहू? मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं अभी झाड़ू से सब साफ कर देती हूँ। झाड़ू? अरे तुम खाने का चावल झाड़ू से साफ करोगी? नहीं नहीं नहीं, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारा बस चला तो हम सब की सेहत कूड़े में बुहार दोगी तुम तो। कोयले! जी 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 मालिक। ये साफ करो सब। मुझे माफ कर दीजिए काका ससुर जी, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। माफ कर दीजिए मुझे। कहां हम इसे गृहलक्ष्मी बनाने का ख्वाब देख रहे थे। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। कोयली कोयली, चावल उठाओ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.